जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज फिर दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं इंडियन आर्मी के, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसके बारे में एक के बारे में मैंने भी आपको वीडियो बनाकर दे दिया था, जो कि उसकी भर्ती कोटा राजस्थान की थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर दे दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट जो भर्ती आई हुई है वो है, अभी आई हुई है झुंझुनू की है, और एक आपको देखने को मिलने वाली है जोधपुर की। ठीक है, ये दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं और दो भर्ती और आई हुई है। दो भर्ती कौन कौन सी है, एक अलवर वालों के लिए है और एक जयपुर वालों के लिए है। तो अब मैं अभी आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो झुंझुनू के लिए है और जोधपुर के लिए है। इसको मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से आप स्टेट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते करके। ठीक है, और इसमें कौन से ट्रेड के लिए आपकी भर्तियाँ निकली हुई और किसके लिए नहीं निकली हुई है। तो साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आप सभी तैयारियां जारी रखें, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया था कि देखो जुलाई या अगस्त के माह से आपकी भर्तियां रेगुलर चालू होने वाली है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 केसेस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और जहाँ पर कोविड-19 केसेस कम है वहाँ पर भर्तियाँ कराई जा रही है कोविड-19 को देखते हुए। ठीक है, तो आप सभी तैयारियाँ जारी रखें, अपनी तैयारियों को ना रोकें, क्योंकि आपको पता है कि एक बार रनिंग छूट जाती है तो उसका स्टेमिना लाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी देखिए, कोई नहीं कह सकता था कि ये भर्तियां होगी करके। ठीक है, परंतु इनका नोटिफिकेशन आ गया आर्मी की ओर से। आप सभी को पता है कि 2 साल हो गया इंडियन आर्मी की भर्ती को देखने को नहीं मिल रही युवाओं को, तो हो सकता है आपको एज में भी छूट दी जाए। ठीक है, आपको सभी को मौका मिलने वाला है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सभी को आपको जल्दी इंडियन आर्मी की ओर से सेना भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप इन दोनों भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन जा सकते हैं करके। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जोधपुर की, ये जोधपुर वालों के लिए है। साथियों, मैं इसको बताऊँगा कि जोधपुर वाले कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जोधपुर वालों की भर्ती है, ARO जोधपुर के है, अजमेर राजस्थान। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं करके। यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है साथियों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस मैंडेटरी एट फिल बी ओपन फॉर्म 14 मई 2014 से 27 जून 2014 तक आपकी भर्तियाँ, 2021 तक आपकी भर्तियाँ चलने वाली है। ठीक है, तो आपका जो है 14 मई से 27 जून तक जो आपके हैं ओपन हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, आप अब इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी जो कौन कौन पोस्ट के लिए आपकी भर्तियाँ निकली हुई है, नंबर पहला सोल्जर क्लर्क के लिए। ठीक है, सोल्जर क्लर्क के लिए निकली हुई है, एट और टेंथ पास दोनों रहता है, नहीं क्लर्क के लिए ओनली 10th 12th पास मांगा जाता है। और जो आपका सोल्जर नर्सिंग के लिए भी आपकी जो निकली हुई है, क्लर्क की है, नर्सिंग की है, और CPO फार्मा की निकली हुई है। ठीक है, अब मैं उसको बता दूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है डूंगरपुर की है, फिर बंसवारा की है, सिरोही की है, उदयपुर है, और प्रतापगढ़ है, पाली है, जलोरे है, भरमान है, जोधपुर है, नागपुर है, एंड जैसलमेर है। ठीक है साथियों, इतने डिस्ट्रिक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपका जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है करके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है आपको जो 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 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है वो वहाँ पर आपको दिया हुआ है। 11 जुलाई 2 अगस्त का एट ख्यात विहार स्टाइल अजमेर राजस्थान में आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आपकी भर्तियाँ होना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ पूरी डिटेल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और साथ ही आपको बता दूँ कि मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया हूँ कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले सोल्जर क्लर्क की है इसमें। ठीक है, 17.5 से 23 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, 1998 से 2004 के बीच में आपका जो है एज काउंट किया जाएगा। और आपकी हाइट जो है थोड़ा सा कम लिया गया है, 162 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपको सभी को पता है 77+5 इंप्रेशन मांगा जाता है। अब सोल्जर टेक्निकल के लिए आई है, तो यहाँ पर 17.5 से 23 ईयर तक आपका जो है तो एज होना चाहिए, ये आपका जो है एज काउंट किया जाएगा 98 2004 के बीच में, और 77+5 इंप्रेशन आपका होना चाहिए। CPO फार्मा, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते साथियों, जो डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री होती है वो जिसके पास है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, मिनिमम बहुत ही कम लोगों के पास होगी, तो ये उनके लिए। ठीक है साथियों, तो बाकी तो मैं आप बता दिया, आपको सभी को पता है, आपको ग्राउंड के बारे में पता, सब कुछ पता है। और लास्ट में और आपकी और जानकारी दे दूंगा आपको, पहले दो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले हो गया जोधपुर का, मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट बता दिया और कब से कब अप्लाई होना है करके। ठीक है, आपकी जो है 11 जुलाई से आपका जो है जो भर्ती होना है 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपकी जो भर्तियाँ होनी है। ठीक है, तो ये था जोधपुर वाले के। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकल के आया है वो है साथियों,
ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, ये जो नोटिफिकेशन है झुंझुनू के लिए, ठीक है, झुंझुनू वाले के लिए है। आर्मी रिक्रूटिंग रैली इन अजमेर राजस्थान फॉर्म 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में इसकी भर्तियाँ होना है, ठीक है। तो ये भी आपकी उसी के जैसे चलने वाली है। और यहाँ पर जो आपका है, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 मई से 2021 से 27 जून तक आपका इसका भी रहने वाला है। और जो आपका आपके लिए इसमें क्लर्क के लिए पोस्ट निकली हुई है, सोल्जर रहने के लिए निकली हुई है, वेटनरी सीपीयू फार्मा के लिए निकली हुई है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है हनुमतगढ़ है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, झुंझुनू है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें कम लिया गया है तो इतने इसमें डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिया हूँ। और आपकी जो भर्तियाँ होना है वो 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपकी भर्तियाँ आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हूँ कि इसमें सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए पोस्ट आई हुई है, सोल्जर टेक्निकल यानी के लिए पोस्ट है, और सीपीओ फार्मा की पोस्ट है। आपका जीडी और ट्रेडमैन इनकी भर्ती आपको तो देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपको पता है, आपको मैंने एजी बता दिया हूँ क्या क्या है और क्या नहीं, क्या क्या नहीं है करके, ठीक है। ये इतनी आपको देखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ साथियों, यहाँ पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपको साथियों कोविड-19 का जो नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है आपको वो बनवा कर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास मास्क होने चाहिए, आपको बोले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है, क्लीन हैंड विद सॉप, आपके पास हैंड सैनिटाइजर मास्क, और आपको पास सॉप होना चाहिए मतलब साबुन होना चाहिए, वो भी आपको लेकर जाएंगे। और आप बार बार आपसे हैंड वॉशिंग करवाया जाएगा, ठीक है। और ये आपको साथ में लेकर जाना है। और डॉक्यूमेंट्स की मैं आप बात कर लूँ तो सबसे पहले आपको क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। फिर फोटोग्राफी, फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट, फिर आपका डोमेनिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, नो क्लेम सर्टिफिकेट, मतलब आपका थाने में कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए, वो एक क्लेम बनता है, आप थाने से जाकर या फिर ग्राम पंचायत या दोनों जगह से आप बनवा सकते हो। फिर अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, और इसके बाद आपका जो आता है एफिडेविट कचहरी से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। इतने सारे आपको लगना है। और लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों, यदि आपके पास एनसीसी है, एनसीसी या स्पोर्ट्स है वो आप, या फिर आपके फादर या ब्रदर आर्मी में है, आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा, तो आप इन तीनों चीज़ों को लेकर जाना ना भूलिएगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में आपको आर्मी भर्ती में छूट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतनी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ साथियों। कोविड-19 के महानिर्देश आपको दिए गए हैं, इसमें उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये भर्तियाँ कोविड-19 को देखते हुए चल रही है। और एक और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है साथियों, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, फ्रॉम मोर डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसको इन्फॉर्म कर सकते हो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है कोविड-19 को निर्देश में रखते हो। और एक और चीज़ आपको बता दूँ साथियों कि यदि आप ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो साथियों यदि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा कोविड-19 केसेस देखने को मिल सकते हो, तो ये भर्ती को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि इन नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है कि द डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव आर माइट बी चेंज, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो आई होप आप गॉड से प्रे कीजिएगा कि आपकी ये भर्ती कैंसिल ना हो, ठीक है। तो तैयारियाँ कीजिए, आप सभी को भर्ती में जाने का मौका मिल सकता है, और धीरे धीरे सभी के ARO के नोटिफिकेशन आना चालू हो गए, ठीक है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारियाँ करिए।